हाइपोटेन्यूज होता है इंग्लिश में। तो अब इसको देखिए, लंब का इसमें वैल्यू दी, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 3 दी हुई है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण की वैल्यू दी हुई है 4। दोनों की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए आप लोग फार्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग को रिमेम्बर ही होगा क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने इसको बताया था। अब ये फाइंड हो गया। अब देखिए अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे लंब की, ताकि हम लोग को आधार की वैल्यू फाइंड हो जाए। अब देखिए हम लोग लंब की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 3 है, 3 का स्क्वायर, यहाँ हम लोग एक्स मान ले रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई एनी डाउट नहीं है। अब देखिए आधार की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सॉरी हमने इसको यहाँ पे कर दिया, एक्स की जगह पे हमें 4 लेना है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कर्ण की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए आधार की वैल्यू हमें फाइंड करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा ले रहे हैं, 4 4 16 होगा स्क्वायर करेंगे तो, और 3 3 9, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, मतलब स्क्वायर टू के, ये इधर प्लस साइन है, इधर भी प्लस साइन है, और जब प्लस साइन को ये LHS है और ये RHS है, ठीक है, इधर 16 है और 9 जो है वो RHS में है, 9 को जब हम LHS में लेकर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 16 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 16 में जब हम लोग 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, अब इधर जब हम लोग यहाँ पे ये स्क्वायर में है और इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, मतलब √7 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हम लोग को एक्स की जगह पे हम लोग आधार लिए थे, मतलब आधार की जगह पे हम लोग ने एक्स को पुट कर दिया था, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, मतलब आधार की वैल्यू कितनी आ गई, आधार की वैल्यू आ गई √7, ठीक है। अब देखिए √7 आ चुकी है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ये टेन थीटा का फार्मूला है। अब लंब की वैल्यू तो हमें पहले से रिमेम्बर थी, 3 है इक्वल टू 3 डिवाइड बाई, आधार की वैल्यू हमने फाइंड की है √7, ठीक है, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, क्वेश्चन 2 देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, और हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कॉस थीटा की कॉस थीटा का फार्मूला पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन डालेंगे। अब कॉस थीटा का हम लोग फार्मूला लिखेंगे, कॉस थीटा का फार्मूला लिखेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये कॉस थीटा का फार्मूला है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए आधार की जगह पे 1 है, ठीक है, आधार की वैल्यू दी हुई है 1 और कर्ण की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है। हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लम का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, टू का स्क्वायर, लम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब एक्स मान लिया एक्स का स्क्वायर, प्लस आधार की वैल्यू वन दी हुई है, मतलब वन का स्क्वायर। देखिए टू टू ज़ा फोर, ठीक है, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब हमने आपको इसके पहले ही बताया ये आर एच एस है, ये एल एच एस है। ठीक है, फोर ये जब वन को हम लोग आर एच मतलब एल एच एस से आर एच एस में लिख जाएंगे तो वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब देखिए फोर में से वन को, या सॉरी हमने थ्री लिख दिया था, ठीक है, वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, और जब स्क्वायर को हम लोग लेकर जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रूट थ्री, एक्स की वैल्यू रूट थ्री हो गई। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना था, टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। टैन थीटा का फार्मूला होता है, टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, इक्वल टू का साइन लगाइए। देखिए लंब की वैल्यू क्या दी हुई थी, लंब की वैल्यू हमने फाइंड की रूट थ्री, और आधार की वैल्यू तो दी ही हुई थी वन, तो हमें टैन थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है, थैंक यू।